हेलो फ्रेंड्स, कुक विद राधा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मैदा से काजू नमक पारे। काजू नमक पारे बहुत ही ज़्यादा दिखने में अच्छे भी लगते हैं। जितने दिखने में अच्छे लगते हैं तो ये स्वादिष्ट भी लगते हैं फ्रेंड्स। काजू नमक पारे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप मैदा लिया है, जिसे छान करके तैयार कर लिया है। आधा चम्मच नमक लिया है, स्वाद अनुसार ले सकते हैं। आधा छोटी चम्मच मैंने अजवाइन ली है। 1/4 चम्मच मैंने काली मिर्च ली है, इसे मैंने दरदरा कूट लिया है। और आधा कप मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लिया है, आधा गिलास पानी लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम मैदा को तैयार करेंगे। तो मैदा को गूंथ कर तैयार करेंगे, यानी कि इसे अच्छे से, ये देखिए नमक डाल देती हूँ मैं, काली मिर्च डाल देती हूँ, इससे थोड़ा फ्लेवर अच्छा आएगा। और ये अजवाइन डाल देती हूँ और ये मैं ऑयल लिया है तो इसे भी डाल देती हूँ। थोड़ा 2 चम्मच डाल दिया मैंने, 3 चम्मच, 4 चम्मच, ये 5 चम्मच मैंने ऑयल यूज किया है इसमें। तो अब हम इसे अच्छे से इसको इकट्ठा कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैदा में। ऑयल को मैंने अच्छे से मैदा में मिक्स कर लिया है इस तरीके से। अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। थोड़ा और डालूंगी पानी में। मैंने इसको 5 मिनट लगातार इस तरह इसको अच्छे से तैयार किया है, जैसे हम आटा लगाते हैं उसी तरीके से हमें इसको हथेली की सहायता से दबा दबा के इसको मैंने तैयार किया है, आटा को यानी कि मैदा को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैदा हमारी एकदम सॉफ्ट हो चुकी है। जो हम काजू बनाएंगे तो वो बहुत ही अच्छे बन के तैयार होंगे। तो अब हम बनाना शुरू कर देते हैं। तो मैं ना इतनी लोई ले रही हूँ थोड़ी साइज की, थोड़ी और ले लेती हूँ। इस तरीके से हमें इसकी लोइयां बनानी है। तो हमें इस आटे में से 3 लोइयां बना करके तैयार कर लेनी है। इस तरीके से 3 लोइयां बनी है हमारी आटे में से, ये देखिए। अब हम इसको गोल गोल करके घुमा लेंगे और लोई बना करके तैयार कर लेंगे। इस तरीके से मैंने बना लिया इसको। अब हम इसको बेलना शुरू करते हैं। इस तरीके से एक तार बेलनी है हमें। इस तरीके से मैंने बेल लिया है मैदा को, तो पूरी का पूरी जैसा आकार बना दिया है। जैसे हम मैदा की पूरी बनाते हैं, मैदा की पूरी बिल्कुल पतली होती है, लेकिन ये देखिए मेरी लेयर मैंने मोटी बनाई है। तो इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ, इतना मोटा आपको रखना है। तो अब हम काजू बनाना शुरू करते हैं। तो हम काजू का शेप, इस ये बोतल का ढक्कन लिया है, तो आप कोई भी दवाई का ढक्कन या किसी बोतल का ढक्कन इस तरह का ले सकते हैं, तो उससे काजू का शेप दें। तो सबसे पहले मैं इस चाकू से इसकी ये साइड की ये निकाल देती हूँ लेयर को इस तरीके से। और अब मैं यहाँ पर इसका इसे दबा करके काजू बनाती हूँ इस तरीके से, ये देखिए। इस तरीके से ये देखिए, इस तरीके से हमें सभी काजू को बना करके तैयार कर लेना है। अब इधर ऑयल हमारा गरम हो गया, तो हम इनको छोड़ देते हैं। हमें हल्का हल्का ऑयल को गरम रहने देना है। अगर हाई ऑयल गरम कर लेंगे तो हमारे जो काजू है जो कच्चे रह जाएंगे, तो हमें थोड़े मीडियम पर ही इनको सेंकना है, एक एक करके डालना, नहीं तो ये चिपक जाएंगे एक दूसरे में। अब इन्हें हम पलटना शुरू कर देते हैं। हमें इनको हल्का ब्राउन होने तक सेंकना है और इन्हें करारे भी करने हैं, थोड़े खाने में ये कुरकुरे लगे।